हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंजीर के बारे में। अंजीर एक फूड है जिसे अंग्रेजी में फिग के नाम से जाना जाता है। इसका ज़्यादा उपयोग हम ड्राई फ्रूट्स में करते हैं और इसे हम साल में कभी भी खा सकते हैं। अंजीर एकमात्र ऐसा फल है जिसका उपयोग आप कभी भी कर सकते हैं। साथ ही ये एक ऐसा फल है जिसे बच्चे, बूढ़े या किसी भी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति आसानी से खा सकते हैं। ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है। हम एक दिन में जितना जंक फूड खाते हैं, अगर इतना हम अंजीर खाएं तो शायद हमें डॉक्टर की कोई ज़रूरत भी ना पड़े। अंजीर इतना फायदेमंद है हमारी हेल्थ के लिए। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी जानकारियों पर बात करेंगे कि अंजीर के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और इसे हमें कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए और किस चीज़ के साथ खाना चाहिए। यानी कि दूध के साथ अंजीर खाने से हमें कितने फ़ायदे मिलेंगे और पानी के साथ अंजीर खाने से हमें कितने फ़ायदे मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अंजीर में पाए जाने वाले पोषक तत्व की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। अंजीर की एक खास बात यह है कि हम 6 माह से ऊपर के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें भी अंजीर आसानी से खिला सकते हैं। हालांकि उन्हें खिलाने के तरीके थोड़ी अलग-अलग हैं क्योंकि 6 माह का बच्चा अंजीर को आसानी से खा नहीं सकता। उसके लिए उसे अलग तरीके से इसको पेस्ट बनाकर खिलाया जाता है, पर हम 6 महीने से ऊपर के बच्चों को अंजीर खिला सकते हैं। अंजीर के फ़ायदों की बात करें तो अंजीर के फ़ायदे अनेकों हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास फ़ायदे मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। बाकी अंजीर के विषय में और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉग संगीतासपेन.com पर विजिट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंजीर को गर्भावस्था के समय भी यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान भी एक सीमित मात्रा में खाया जा सकता है। इस दौरान अंजीर के नुकसान तो बहुत कम है, लेकिन अगर गर्भवती महिला किसी गंभीर समस्या से जूझ रही है, उसे एलर्जी है या फिर कोई और दवाइयाँ वो ले रही है, तो डॉक्टर की सलाह से अंजीर खा सकती है। हालांकि अंजीर के प्रेगनेंसी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन एक बार अपने डॉक्टर से राय ले लें। अंजीर का डेली उपयोग करने से हमारे हेयर फॉल की जो दिक्कत होती है, यहाँ जो हमारे सफ़ेद बाल होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, सी और आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि अंजीर का सेवन करने से बालों की जड़ों को मजबूती मिलती है और उन्हें सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूटते कम हैं। अंजीर हमारी स्किन यानी कि हमारी त्वचा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अंजीर में विटामिन सी और कई ऐसे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी स्किन को त्वचा को हाइड्रेट रखता है। साथ ही हमारी स्किन बहुत ग्लो करती है अंजीर का उपयोग करने से। अंजीर के वैसे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन अंजीर का उपयोग हमें हमेशा एक लिमिट में करना चाहिए। अगर हम इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ये इसमें जो शुगर होती है मोटापे का कारण बन सकती है, और जिनकी संवेदनशील त्वचा है उन्हें अंजीर के पत्ते या अंजीर से एलर्जी हो सकती है, तो अंजीर का उपयोग कम करें। इसमें मौजूद जो तत्व होते हैं वो कई समस्याओं का कारण बन सकते हैं। उच्च रक्तचाप वाले जो होते हैं, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी हाई की प्रॉब्लम है, वो अंजीर का उपयोग डॉक्टर से पूछ कर ही करें। अंजीर की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में आप अंजीर को एक रात पहले भिगा दें और सुबह इसको वॉश करके ही खाएं। सर्दियों में आप अंजीर को ड्राई फ्रूट के तरीके से ऐसे सिंपल भी खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे सर्दियों में दूध के साथ या भिगाकर जैसे मर्जी वैसे खा सकते हैं। अंजीर के विषय में या किसी भी हेल्थ टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ब्लॉग संगीतासपेन.com पर विजिट करें, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी हेल्थ संबंधी किसी भी टॉपिक पर जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।